स्वामी नारायण मंदिर भुज में आप सबका स्वागत है। भुज मंदिर उन मंदिरों में से एक है जिसको भगवान स्वामी नारायण ने खुद अपने हाथों से बनवाया था। यहां उन्होंने श्री नर नारायण देव की स्थापना की है। ...2001 के भयानक भूकंप के चलते इस नए मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, जो 2010 तक पूर्ण कर दिया गया। आज ये श्वेत संगमरमर का अलौकिक मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कच्छ के आभूषण समान ये मंदिर कच्छ आने वाले पर्यटकों के लिए एक पवित्र धाम है। कई बड़े बड़े राजकीय और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की सामाजिक प्रवृत्तियां पूरे साल चलती रहती हैं। मंदिर प्रशासन, सारे संतगण और भक्तगण जनता के सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी दुखियारों के लिए मेघा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। इन कैंप के द्वारा हृदय रोग और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के लिए भी उचित इलाज मुहैया किया जाता है। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की सुविधाओं के लिए भी मंदिर की ओर से सेवा हो रही है। अकाल की स्थिति में पशुओं के लिए पानी और हरे चारे का इंतजाम भी कच्छ के गांव-गांव में निशुल्क किया जाता है। मूक पशुओं के लिए संतों और भक्तों की करुणा अपार है। मंदिर के द्वारा विश्व के उज्जवल भविष्य निर्माण के हेतु कई गुरुकुलों का निर्माण किया गया है। भुज और मांडवी जैसे शहरों में बेटियों के लिए अलग से कन्या विद्या मंदिर बनाए गए हैं। भारतीय संस्कार के साथ विद्याभ्यास इन गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य है। ये मंदिर भारत निर्माण के लिए अग्रसर है। वो भारत जो भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है, प्राकृतिक विषमताओं का देश है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तो पश्चिम में अरब सागर है। भारत से बहने वाली कई बड़ी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। सांस्कृतिक रूप से भी ये इतना विविधताओं से भरा देश है कि यहाँ हर प्रदेश में एक नई संस्कृति नजर आती है। जनसंख्या की दृष्टि से ये दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। यहां के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ईश्वर के रहस्य को जानना, इनके स्वरूप को समझना, सत्य की खोज करना ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य समझा जाता है। यह भारत ही है जो सदियों से प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों को जानने का प्रयास करता है। भारत का दर्शन विशाल है। यहां का धर्म सनातन है। सनातन मतलब सनातन मेन महूर्तादया स्यात पुनर्णव, अर्थात सनातन उसे कहते हैं जो आज भी नवीनकृत है। किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति में बदलाव लाना जरूरी है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। योग के कई प्रकार हैं, पर शारीरिक योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
जिससे व्यक्ति अपनी अंदरूनी शक्ति जागृत कर सकता है। हर व्यक्ति को सुबह योग से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आज हमारा शहरी जनजीवन बहुत ही दूषित हो चुका है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद पिछले 70 सालों से भारत एक एकीकृत और बड़ा राष्ट्र है। करीब 6 लाख से भी अधिक यहां गांव हैं, जबकि 4000 से ज्यादा छोटे बड़े शहर हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण से भारत की वायु गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आई है। प्रदूषण से प्रतिवर्ष कई लोग रोग के शिकार होते हैं, कई मौत भी हो जाती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली विश्व के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। यहां हर तरह का प्रदूषण है। प्रदूषण की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए भारत भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। प्रदूषण और स्वच्छता एक ही सिक्के की दो बाजुए हैं। आज से 250 साल पहले भगवान श्री स्वामी नारायण ने शिक्षा पत्री में स्वच्छता के बारे में एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। स्थानेषु लोक शास्त्राभ्यां निषिद्वेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनम च न कार्यष्ठिवनम तथा। लोक और शास्त्र में जिस स्थान में मलमूत्र करने के लिए निषेध किया गया है, जैसे नदी और सरोवर का किनारा, मार्ग और खेत एवं वृक्ष की छाया, फुलबाड़ी और बगीचे जैसे स्थान में कभी मलमूत्र नहीं करना चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए। अगर लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे तो प्रदूषण से मुक्ति पाने में आसानी होगी। स्वच्छता आज के भारत की पहली जरूरत है। एक जागरूक समाज क्या कुछ नहीं कर सकता। पूरा समुद्र तट भी साफ किया जा सकता है, कुछ इस तरह से। स्वच्छ और शुद्ध पानी भी एक मूलभूत जरूरत है। साफ पानी के उपयोग से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अशुद्ध पानी पीने से कॉलेरा, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी तो दूर की बात है, पर पानी ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारत के हर नागरिक को जन जन तक पानी पहुंचे, इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। जैसे खेती में हम ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने गांव में पानी संग्रहित करने के लिए चेक डैम बनाने की योजना बनानी चाहिए। लोगों को सिंचाई योजनाओं में श्रमदान देना चाहिए। सरकार की हर संभव मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकारी योजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं। आज बड़ी समस्या ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और पिछड़े लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर हर नागरिक अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड बनवा ले तो सरकारी सहायता मिलने में गति आएगी। जब अर्थतंत्र सुचारू रूप से चलेगा तब निश्चित रूप से लोगों की सुखकारी के लिए काम करना आसान हो जाएगा। आज सरकार के लिए हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है। कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश तो करना चाहती हैं, पर उनकी जरूरत के हिसाब से कुशल लोगों की जरूरत है। आज स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। युवाओं को नजदीकी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जाकर
अपनी रुचि के अनुसार रोजगार लक्षी काम सीखना चाहिए और राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान देना चाहिए। कई बार युवा अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक छोटे काम से ही होती है। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो उन लोगों की मदद करता है जो न सिर्फ अपना व्यापार बड़े स्तर पे विकसित करना चाहते हैं, पर अन्य लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए युवा अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। आज विश्व बदल रहा है। दो देशों के आपसी संबंध उनकी आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर किसी भी राष्ट्र के लोग मेहनती हों, उद्यमशील हों, तो विश्व व्यापार में उनका हिस्सा बढ़ सकता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि देश का अर्थतंत्र मजबूत हो और हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार टैक्स जरूर दे। आज के भारत की आवश्यकता है। आज जीएसटी के रूप में भारत को नई कर प्रणाली मिली है जो भारत के अर्थतंत्र को सुचारू और सशक्त करेगी। अब कर का बोझ एक निश्चित वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे हर जिम्मेदार नागरिकों के बीच बांट दिया जाएगा। जीएसटी से कुछ ही वर्षों में भारत के हर नागरिक के जीवन में अच्छा असर दिखाई देगा। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम समय पर अपने टैक्स जरूर भरें। आज आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत को सचेत रहना होगा और अपनी रक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाना होगा। भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी ये है कि हमारा अर्थतंत्र मजबूत हो और हम अपनी सेना को मजबूती प्रदान कर सकें। आज भारतीय सेना महिलाओं को भी उचित मौका दे रही है। भारत की महिलाएं भारत के विकास में कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। आज की भारतीय महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। अगर भारत की हर बेटी पढ़ेगी तो एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण होना निश्चित है। 5, 4, 3, 2 इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान छोड़कर भारत का गौरव बढ़ाया है। इसरो जैसी कई और योजनाएं तभी संभव हो पाई हैं, जब हर नागरिक ने अपने तन मन और धन से अपना योगदान दिया है। अगर हम सभी इसी तरह से नए भारत का निर्माण करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया को सही रास्ता दिखा पाएंगे।